सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। बट हाँ, कुछ जनों के लिए शायद बढ़िया नहीं होगा, बिकॉज एक डिसहार्टेंड न्यूज हमें सुनने को मिली एंड इट्स एंड ऑफ एन एरा। जी हाँ, गॉड लाइक का रोस्टर में चेंज होते हुए नजर आने वाला है एंड नियो और जी गॉड दूसरी लाइनअप से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अब बात करें बाकी प्लेयर्स का क्या, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड हमें क्रॉन्टन की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिल जाती है कि प्लेइंग रोस्टर के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, रोल्स के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन कोई भी गॉड लाइक लीव नहीं कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिल जाती है कि घातक और क्रॉन्टन एक दूसरे को अनफॉलो करते हुए नजर आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर एंड घातक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी अपलोड करी थी ऑन अ ब्रेक। एंड इसी के साथ ही साथ न्यू जब यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो वहां पर उस चीज के बारे में बताते हैं कि वो बीजमाए खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन किसी और लाइनअप से एंड सेम गोज विद जी गॉड एज वेल। मतलब अभी क्रॉन्टन ने भी वो चीज का स्टोरी डाला कि देयर आर सम चेंजेस इन लाइनअप जो भी है, तो यही चेंजेस है कि मैं अभी नहीं खेलने वाला और पता नहीं फ्यूचर में। बट इससे इसमें तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया है ऐसा। और जी मतलब जी गॉड भी तब से बोल रहा था कि अब नहीं नहीं सीसी वीसी ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं खेलेगा देखते शायद कोई और लाइन अप से खेलूंगा। बट गॉड का मतलब गॉड को भी बहुत स्ट्रेस हो गया था लेटली चीजों का। मतलब गॉड अभी खेल रहा है सेल्फ ग्राइंड करने के लिए जो भी सीन है, बट मेन ऐसा है कि अभी वो चीज क्रॉन्टन बताएगा, अभी जितना मेरा डिस्कशन हुआ तो ऐसा है कि मैं और गॉड नहीं खेलने वाले। अब गॉड का एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, पर गॉड अभी खेल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो सेल्फ ग्राइंड कर रहा है, मतलब उसका टच रहना चाहिए तो उसके लिए वो खेल रहा है। बट यही है घातक का, मेरे को घातक का पता नहीं क्या सीन है। घातक का शायद घातक ही बता सकते हैं, क्रॉन्टन ही बता सकते हैं, उनका वो बताएंगे। एंड यहाँ पर वो जोनाथन के सैक्रिफाइस के बारे में भी बात करते हैं कि वो प्लेयर यार काफी कुछ डिजर्व करता है एंड वो सब जोनाथन के कंपैरिजन में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। बट यहाँ पर वो एक चीज एश्योर करते हैं कि जहाँ पर भी घातक जाएगा वो घातक के साथ ही जाने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत लोग आके बोलते हैं कि हम लोग की वजह से जॉनी को सफर करना पड़ रहा है, मतलब जॉनी का परफॉर्मेंस हम लोग की वजह से दिख के नहीं आता, हम लोग लास्ट 7-8 महीने से चेक कर रहे हैं, हम लोग की वजह से दिख के नहीं आता। तो अभी तो वो चीज़ हम लोगों को भी बुरा लगता है कि जॉनी दे रहा है अपना 100% और हम नहीं कर पा रहे वो चीज़, तो उसमें उसकी क्या गलती है। ऑब्वियसली उसको भी चाहिए कि वो भी जीतना है, उसको भी ये है कि उसको जीतना है वापस से, सबको ये जीतना है। तो अभी जीतने के लिए जो करना पड़े अपन वो करेंगे, भले फिर अपन साथ रह के करें या साथ नहीं रह के करें, जीतना सबको है। तो बाकी अभी इन फ्यूचर जो भी रहेगा वो सब डिसीजंस ऑब्वियसली जो टीम है, मतलब जॉनी क्रॉन्टन और मतलब वही रहेगा कौन से प्लेयर्स को लेना है, क्योंकि अभी तो मतलब वो चीज़ों में मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला और मोस्टली घातक भी इंटरफेयर नहीं करने वाला वो सब चीज़ों में कि कौन से प्लेयर को लेना है, क्या लाइनअप बनानी है। वो जो भी इन फ्यूचर डिसीजन रहेगा वो उनका ही रहेगा, वो हम लोग का नहीं रहेगा। तो सही बात है एक तरीके से कि बाहर के टीम के बाहर के लोगों को टीम के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो वही चीज है। ऑल्सो यहाँ पर जब ब्लाइंड मानिया लाइव होते हैं तो यहाँ पर वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनसे पूछा जाता है कि क्या एस पावर वापस से हमें ब्लाइंड में देखने को मिलेंगे, तो उनका रिस्पॉन्स इस चीज के ऊपर आप देख सकते हो। गॉडल का एंड हो गया, कोई बात नहीं ब्रो, नई चीजें आएगी तो फिर गॉडल का और क्या, उस पावर को ले लो प्लीज यार, पावर बड़ा प्लेयर हमारे साथ थोड़ी खेलेगा बताओ। एंड इस चीज के ऊपर यहाँ पर ऋषभ भी रिएक्ट करते हैं, बात करते हुए कुछ ये बोलते हैं, मतलब एज अ सीसी या फिर सेकंड लाइनअप बना सकता है या न्यूमन में खेल ले वो कर सकता है, बट अलग होना तो यार बहुत अलग हो जाएगा फिर, नहीं अजीब लगेगा ना यार गाइस। जोनाथन नियो ये तो हमेशा से साथ ही खेलते, कुछ होता है ना यार कुछ प्लेयर का साथ ही देखने में मजा आता है यार, ये बड़ा अजीब लगा गाइस मुझे, बहुत अजीब लगा भाई, ये तो बड़ा अजीब सा मतलब बहुत मतलब पूरा ही चीज है ये तो यार। ऐसे होना तो था यार, आज ना कल तो चेंज तो होना ही था यार, ये बड़ा वियर्ड लग रहा है यार, है ना, थोड़ा अलग वाइब, पर सही भी है परफॉर्मेंस ना हो, एक ना एक दिन होना ही था गाइस, देखो ये तो होना ही था एक ना एक दिन, मतलब
जानते थे, हम सब जानते थे, बट ठीक है। बाकी अब बात करें कि गॉड लाइक में प्लेइंग फोर क्या रहने वाला है, तो लॉर्ड्स गेमिंग इस चीज के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर वो ओवरऑल क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। जो भी हो रहा है यार, जब मैं गॉडलाइक ज्वाइन किया था मैं सोचा नहीं था ये सब भी होगा, बट मैं ये टीम का ही फैन था। बट ऐसा फैन बहुत बुरा लगा कि भाई जो टीम ने इतना डोमिनेट किया, इतने बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीते, वो टीम आज ऊपर नीचे हो रही है ड्यू टू सम रीजंस। हु विल रिप्लेस नियो भाई, ये मेरे को पता नहीं है, बट ये सारी चीज़ें जो होने वाली थी वो मेरे को पता था, बट मैं बोल नहीं सकता था ओपनली। बट अभी कौन किसको रिप्लेस कर रहा है वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अगर देखो होना रहता ना तो अभी टीम के साथ वही लोग खेल रहे होते, समझे? लाइक वैसा नाम लिख के खेल रहे होते कि प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री, ऐसा कुछ रख के खेल रहे होते, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। तो तुम ये समझ लो BGIS के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी BGIS चल रहा है, सारी टीम्स ऑक्यूपाइड है, सारी टीम्स क्वालिफाइड है और खेल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा POV टिल BGIS ऐसा ही चलेगा। BGIS के बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगी कौन क्या टीम कैसा बनने वाला है, तो वेट करो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कल के BGIS मैचेस के बारे में। तो कल के दिन BGIS मैचेस जब हो रहे थे तो उसमें क्रॉस के लिए स्पोर्ट्स का CK किंग बंदा हमें लाइव बैन होता हुआ देखने को मिला, जिसके रिगार्डिंग हमें मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिल जाती है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रॉस किल टीम से जो प्लेयर है वो खुद एग्री कर देता है कि यहाँ पर IGL ने हैक यूज करा था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, हैक IGL भैया कर रहे थे। एंड वो प्लेयर बोलता है कि उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि IGL ने किसी को भी नहीं बताया था, एंड इस IGL ने सबका करियर बर्बाद कर दिया। एंड बाकी प्लेयर्स डेक्स्टर, टोनी, इनका डिवाइस चेक हुआ और वो भी सारे प्रूफ्स भेजे गए, एंड ये दोनों प्लेयर्स अब लेजिट साबित होते हुए नजर आए। एंड इन प्लेयर्स का ये मानना है कि इनको नहीं पता था कि क्रॉस किल किंग, जो कि इनका IGL है, जो कि लाइव बैन हुआ, इनको नहीं पता था कि वो हैक यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे क्रॉस किल ई-स्पोर्ट्स के जो कोच है वो भी ये बोलते हैं कि वो क्रॉस किल का पार्ट नहीं है, उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि किंग हैक कर रहा था, और मैं हैकर से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। बट यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पर डेक्स्टर को पता था, जिसमें डेक्स्टर हैक के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं, जिसके बारे में गुजब ने बताया, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेक्स्टर को पता था कि किंग कहीं ना कहीं हैक यूज कर रहा है। एंड सैड पार्ट इज कि क्राफ्टन ने भी यार क्रॉस के लिए स्पोर्ट्स का इंटरव्यू लिया हुआ था, एंड अभी तक वो रील आपको क्राफ्टन के ऑफिशियल सोशल हैंडल पर मिल जाएगी। आई होप यार वो इस रील को टेक डाउन कर दे, बिकॉज इन द एंड दे आर चीटर्स। एंड इसी सारे सिनेरियो के चलते यहाँ पर काफी सारे लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि यार BGMI को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा। एंड इसी के चलते गोल्डी भाई के लाइव चैट में यही चीज स्पैम हो रही होती है कि प्लेयर लाइव बैन, बट मॉडरेटर्स उस चैट को डिलीट करते जाते हैं। तो एक बंदा वॉइस रेस करता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, एंड गोल्डी भाई इस चीज के ऊपर एक परफेक्ट रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोलते हैं, आज लाइव मैच में एक प्लेयर बैन हुआ है, इस बात पे मॉड टाइम आउट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रोम भाई हमारे आना ये सब हम लोग डिस्कस करना अब छोड़ दिए हैं। बैटल ग्राउंड इंडिया इज नाउ हैकर ग्राउंड इंडिया इस टीम्स। सो बस इस पर्टिकुलर डे में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को वीडियो से सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी मैं भी चलता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।